हेलो गाइस, कैसे हो गाइस। जो है एक इंडक्शन आया है, सूर्या का इंडक्शन है। तो ये है, डेड कंडीशन में है बिल्कुल, इसमें पावर नहीं आ रही। तो मैं इसको देखो प्लग में लगा लेता हूँ। तो मैंने जो है तो इसको खोलते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। तो मैं जल्दी जल्दी स्विच खोल लेता हूँ। तो मैंने चार पिंच खोल लिए। तो गाइस देखो, इसमें है कॉकरोच अंदर। देखो शायद आपको दिख भी रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ आपको। देखो कॉकरोच घूम रहे। तो मैं जो उसको पहले साफ करके आता हूँ बाहर जाके, तो फिर आता हूँ। तो गाइस मैंने जो है कॉकरोच को साफ कर दिए। तो अब देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। अब इसमें हो सकता है अंदर भी, हो सकता है अभी एक दो, क्योंकि इसमें अंदर भी रहते हैं कॉकरोच। तो मैंने इसके पिंच खोल लिए। तो इसका ये बोर्ड भी खोल लेता हूँ मैं। तो इसमें अंदर तो है नहीं गाइस। तो ये मैं मीटर रख लेता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले तो उसका फ्यूज चेक करना है। फ्यूज लगा हुआ है इसमें, ये फ्यूज लगा हुआ है। ये आपको बजर मोड पे कर लेना है मीटर। तो इसका फ्यूज भी जो है इसका जल चुका है, फ्यूज में कंटिन्यूटी नहीं है इसके। तो उसके बाद जो है हमें जो है इसका करना होगा चाहे कि IGBT, क्योंकि अगर फ्यूज इसका जलता है, फ्यूज उड़ता है, तो उसका IGBT ख़राब होता है ज़्यादातर। तो गाइस IGBT तो इसका सही है, IGBT तो शॉर्ट नहीं दिखा रहा। बाकी इसका फ्यूज जो है एक बार इसमें वायर लगा के देखते हैं, फिर चला के देखते हैं। तो मैं इसमें पतली वायर लगा के भी चेक करता हूँ उसको, देखता हूँ फिलहाल चला के। तो ये यहाँ पे फ्यूज इसका लगा। तो ये फ्यूज तो मैंने लगा लिया, अभी मैं इसको प्लग इन करता हूँ, देखता हूँ। मैंने अभी सीरीज में आया मेरा बोर्ड, मैं सीरीज में लगाता हूँ। देखो उसमें स्पार्क हुआ कहीं पे, कहाँ पर स्पार्क। तो गाइस इसमें जो है यहाँ पे जिसका ब्रिज एक्टिफायर है, यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है इसमें। देखो आपको दिख भी रहा होगा, देखो धुआं भी निकल रहा है इसमें। ये देखो भाई, ये इसका ब्रिज एक्टिफायर शॉर्ट है। तो हम इसको खोलते हैं अभी। तो इसका फ्यूज भी जो है इसी की वजह से जला है। इसका IGBT सही है, ब्रिज रेक्टिफायर तो खराब है। ये देखो यहाँ से भी काला हो रखा है, स्पार्क हो गए। देखो गाइस ये यहाँ से जो है ये शॉर्ट हो चुका है इस जगह से, आपको जूम करके दिखा देता हूँ शायद आपको दिख जाए। ये देखो यहाँ से शॉर्ट हो रखा है ये वाला, ये इस जगह से शॉर्ट है। तो मैं
रेक्टिफायर नया लगाता हूँ। तो गाइज मैं जो उसका हूँ रेक्टिफायर निकालता हूँ, पहले तो आपको ये पिने सीधे कर लेनी है इसकी, इसमें पिने मुड़ी भी होती हैं तो निकलेगा नहीं आसानी। देखो इतने आपको आराम से सीधी कर लेनी, तो अब आपको क्या करना है डिसोल्डर की मदद से आपको जो सोल्डर साफ कर लेना है यहाँ से। तो गाइज मैंने जो है डिसोल्डर वायर की मदद से ये सोल्डिंग साफ कर ली इसकी, तो देखो ये निकल गया। और ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो कहाँ से चला गया, ये देखो ये यहाँ से ये वाली फिनिश की छोटो चुकी। तो हम इसमें नया ये लगाएंगे रेक्टिफायर, तो आपको जो है ये वाला ये ऊपर की साइड रखना है इधर, तो हम क्या करते हैं पहले उसको बंद कर लेते हैं, इसको लगा देते हैं इसी में, इस पर पेस्ट लगा देते हैं, पेस्ट लगा के इसको आराम से बंद करते हैं। देखो पेस्ट है, इस पर हल्का पेस्ट लगा लेना है, IGBT पे भी और इस पर भी, दोनों चीज़ पे पेस्ट लगाना है। ये जो है इसको ठंडा करने के लिए होता है पेस्ट, हीटसिंक पेस्ट बोलते हैं इसको। तो हम इसकी हीटसिंक लगा लेते हैं। अरे गाइस देखो ये ऐसी लगनी है, आपको उसके जो है पिंच टाइट कर लेना है। तो एक पिंच टाइट कर दिया, दूसरा करते हैं, दूसरा वाला ये पड़ा हुआ। तो इसको भी लगाते हैं, इसका जो एक पिंच था ये वाला ये भी लगा लेते हैं हीटसिंक पे जो लगा हुआ था। तो ये देखो ये लग चुके हैं, और अब हम इनको जो है पिंच को अच्छे टाइट कर देते हैं, दोनों पिंच को अच्छे टाइट कर देना है गाइज, आपको लूज ना रहे। देखो ये मैंने अच्छे टाइट कर दिया, और आपको जो है इधर की साइड ये पिने नीचे की साइड मोड़ के उससे सोल्डरिंग कर देनी है। अच्छे सोल्डरिंग कर देनी है, तो इसमें हमने सोल्डिंग कर दी है। ये वाला फ्यूज, ये वाली वायर तो हमने ऐसे लगाई थी अभी चेक करने के लिए, बाकी अब इसको चेक करते हैं एक बार चला के ऑन होता है कि नहीं। तो मैं इसकी वायर लगा लेता हूँ, सीरीज में चेक करना है आपको। तो देखो बजर की आवाज़ आ चुकी है, ठीक है। तो एक बार इसको बंद करके फिर चला के भी देखते हैं। अभी इसमें जो है आपको, क्योंकि इसका अगर IGBT ख़राब होता तो ये फिर मतलब जो आपका सीरीज वाला जल जाता, तो हम इसमें फ्यूज दूसरा लगाते हैं। फ्यूज तो हमारे पास में है नहीं, हम इसमें वायर ही लगाएंगे, पर अच्छी वाली वायर लगा देते थोड़ी, इससे हैवी हल्की, तो बहुत हल्की वायर थी। तो ये जो है हमारे पास में 2.5 mm की वायर है, हम इसको छील लेते हैं, तो हम इसको छीलेंगे। तो देखो भाई जी छील गई ये वायर, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें सिर्फ 2 वायर लगाएंगे, क्योंकि 2.5 mm की वायर है, गेज ज़्यादा होता है इसका, 2
तो हम इसमें दो ही वायर लगाएंगे, क्योंकि फ्यूज का भी काम करेगी। अगर कभी इसमें कोई आगे शॉर्ट होगा कुछ भी सामान, तो ये आराम से जल सकती है वायर। अगर ज़्यादा हैवी लगा दोगे तो फिर आपका इंडक्शन अंदर से ये नहीं पता क्या जल जाएगा इंडक्शन का। बहुत ज़्यादा हैवी वायर नहीं लगानी इसमें। तो देखो मैंने जो है इसमें सोल्डिंग कर दिया, अभी और दोबारा से करता हूँ। तो वायर तो हमने लगा दिया, अब इसको करते हैं बंद। तो जैसे खोला था वैसे बंद कर लेना है। तो ये लीड तो मैं यहाँ फंसा देनी है आराम से ऐसे, ठीक है। बाकी के इसमें पिंच थे लगे हुए, ये वाले बंद कर देते हैं। वो एक पिंच तो लग गया, दूसरा भी लगा देते हैं। तो ये तो काई जी लग चुका है, तो अब इसकी फाइन की वायर लगा देते हैं। ये इसको जैक बना हुआ है, ये वाला आपको लगा देना है, और इसको जो है आपको यहाँ से ले लेना है इसे। और फिर ये इसका सेंसर वाला वायर, ये वाला आपको लगा देना है इसमें, इस वाले जैक में। और इसको करते हैं बंद। तो इसको जो है पेंच लगा देते हैं, हमने इसको जो है तीनों पेंच लगा दिए। अब इसका पैनल लगाते हैं, तो पैनल की वायर लगा लेते हैं। देखो पैनल वाला जैक है इधर साइड में, ये वाला यहाँ पर जो एक जैक बचा हुआ है, तो पैनल की वायर लगा ले। अब इसको ऑन करके चला के देखते हैं पानी गर्म होता है कि नहीं होता। देखो इसमें लाइट आ चुकी है, करते हैं इसको ऑन। ये बर्तन इसमें रख देते हैं और इसमें पानी डालते हैं। तो इसको ऑन करता हूँ मैं, सीरीज वाला बल्ब मेरा जला था अभी, सीरीज में चेक किया मैंने, तो देखते हैं इसको। तो मैंने जो 2000 वाट का कर दिया पहले कम था, तो गर्म करने लगा है। मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ कितने एम्पियर ले रहा है मीटर से। देखो 5 एम्पियर तक ले रहा है, देखो गर्म करने लगा है। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।